नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लवली इनो टोकन के बारे में, और काफ़ी दिन हो गया था इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज लवली इनो के बारे में कुछ बातें कर ली जाए। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके ग्राफ की तरफ, और बिटमार्ट पे हम इसका ग्राफ वगैरह देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे सवाल फिर से उठने लगे हैं, और साथ ही साथ जो है लवली इनो की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है इस समय, और आप देख सकते हैं कि ये फिर से अपने 50 वाले सीरीज में आ चुका है। आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे ये अपने प्रोग्रेस की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके आप लोगों से जो कहता था कि आप होल्ड करो, और देखो आज उसका नतीजा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कभी भी कोई टोकन अगर जो है थोड़ा सा डंप में जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना रहता है, ठीक है। अगर आपको और बिल्कुल भी आप खुद से मोटिवेट हो सकते हो, उसके लिए किसी के वीडियो की या किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसके लिए मोटिवेट किया जाए, ठीक है। आप बस केवल इतना जानो कि अगर आज डंप है तो कल को पंप होगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, ये हर जगह पे अवेलेबल है, कहीं ना कहीं तो प्राइस बढ़ेगा भाई, कोई ना कोई काम तो करेगा ना ये बंदा, ठीक है। जिसका भी ये प्रोजेक्ट है, जो भी इसके पीछे लगे हुए हैं, वो दिन रात मेहनत करके इसको एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर तो लेकर के आएंगे। आपको पता है अपना शिबा इनू, ठीक है, आपको पता है कि शिबा इनू ने पिछले लगभग डेढ़ दो साल हो गया इसका एकदम शांत बैठा, एक साल से तो एकदम से शांत बैठा हुआ था, ठीक। अचानक से दो दिन के अंदर इसने क्या कर दिया ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसके शिबा इनू की ग्रोथ से ही आप देख सकते हो कि इसने क्या कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों के समझने की चीज़ है, अगर कोई टोकन आप रातों रात किसी चीज़ में करोड़पति नहीं बन जाते हो, ठीक, और एकदम से आप सोचो कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ, इतना ज़्यादा पंपिंग हो जाए, सारे जीरो खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। और आप लोग इस चीज़ को समझो, जब तक आप लोग इस चीज़ को समझोगे नहीं, आप कभी भी किसी भी क्वाइन से प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हो, ये एकदम सत्य है। और जो ये कहा गया है ना कि होल्ड इज गोल्ड, तो सच में होल्ड करना ही गोल्ड होता है। और आज आप देख लो लगभग 34.45, यानी कि लगभग 35 का मोटा मोटा मान लेते हैं, लगभग 35% का ग्रोथ ये ले करके और इस समय जो है इस समय आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका लगभग 5200 के करीब में ये गया हुआ था, अभी तो इस समय जो इसका प्राइस चल रहा है वो लगभग 5024 के करीब में चल रहा है, और ये सुबह अभी जो है 5200 के करीब में होकर के आया है, और आगे जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जेन्युइन क्वाइन है, ये आपको आज नहीं तो बहुत जल्द आप लोगों को प्रॉफिट देगा, इसलिए आप लोगों को इससे परेशान होना नहीं है और इससे बिल्कुल भी पैनिक होना नहीं है। चलते हैं हम थोड़ा सा BSE स्कैन की तरफ, और यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके होल्डर्स वगैरह और सप्लाई के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है कि इसका जो है अभी जस्ट जो बर्निंग हुआ है वो 10 ट्रिलियन का हुआ है, तो उसकी वजह से जो इसकी टोटल सप्लाई थी वो 60 ट्रिलियन ही रह गई है घट करके, और उसके बाद से जो इसके होल्डर्स वगैरह हैं वो 26,734 होल्डर हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसकी ग्रोथ होती जा रही है, और इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़ भी निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि ये जो है आपका मे भी हो सकता हो कि इस महीने में आपके बाइनेंस में लिस्टिंग देखने को मिल जाए, और उसके बाद से आप लोगों का ये हर जगह पे लिस्टिंग आप लोगों को अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाए। वजीरेक्स का भी कुछ सुनाई दे रहा है कि बाई बाइनेंस पे आएगा, तो वजीरेक्स पे तो कुछ ही दिन में आ ही जाएगा, उस दोनों एक ही हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ये एक दूसरे पार्टनर हैं, ठीक है। तो अगर बाइनेंस पे आ जाता है तो आपको वजीरेक्स में भी जल्द ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता ही दिया था कि जो है कोई क्वाइन मार्केट कैप पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसके वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रोड मैप का क्या हाल है, कुछ अपडेट हुआ है या बस वैसे है। देखो दोस्तों, मैं किसी क्वाइन में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं उसको तो भाई साल डेढ़ साल के लिए भूल जाता हूँ, ठीक है। जब मुझे कहीं से मार्केट में न्यूज आती है कि हाँ ये क्वाइन बहुत तगड़ा तरीके से पंप हो गया, तभी मैं उसको देखने आता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत रोज़ हर सेकेंड उसको देखता ही रहूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना सारा काम छोड़ देता हूँ, मैंने जो इन्वेस्ट कर दिया वो कर दिया, ठीक। बस एक गलती मेरे से हुई थी कि मैंने शिबा इनू को सेल कर दिया था, वहाँ पे मेरी एक गलती हुई थी, उसके बाद से
मैंने ये गलती करना बंद कर दिया है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस गलती को मत दोहराना, ठीक। और बहुत जल्द ये हो सकता हो कि आप लोगों को यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्वाइन मार्केट कैप का काम इनका पूरा ही हो चुका है, और ये क्वाइन गीको पे भी जैसे ही लिस्ट कर देंगे यहाँ से इनका एक साथ दो दो रोड मैप कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद से सुनाई दे रहा है कि इनका क्रिप्टो वॉलेट आने वाला है, और उसके बाद से ये तुरंत जो है बाइनेंस पे इस महीने की लिस्टिंग इनकी बहुत तगड़ी सुनाई दे रही है। साथ ही साथ मैं दोस्तों आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे इनका एक ILO और आने वाला है, ठीक है। एक ILO और आएगा जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, और उसके बाद से दोस्तों कई चीज़ें इनकी आ रही हैं, एक्सचेंज पे लिस्टिंग आ रही है, ILO आ रहा है, और उसके बाद से ये बाई बैक का प्रोसेस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बाई बैक के प्रोसेस का भी वीडियो मैं आप लोगों को बना चुका हूँ, उसमें आप लोग इसको जो है जा करके आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप लोग इसको आराम से देख सकते हो कि क्या है बाई बैक प्रोसेस, उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर आई बटन में वीडियो में दे दिया, आप लोग वहाँ पर जा करके इस चीज़ को देख सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि आप लोग कैसे अपने आप को संभालते हो, किस तरीके से आप लोगों को समझना है चीज़ों को। एक दिन में कोई भी चीज़ हवा हवाई नहीं हो जाती है कि आप लोगों को मालामाल कर दे, आप लोग एकदम से मतलब करोड़पति बन जाओ, भैया इंतज़ार करना पड़ता है। अभी तो कुछ नहीं मिला था, वहाँ इतना तो मिला, अब आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे फिर से जो 10-15 डॉलर था दिखा रहा था वो 101 डॉलर हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। हाँ ये अकेले उसी का नहीं है कि उसका है, यहाँ पे लवली इनू का जो है आप देख सकते हो 77 डॉलर इसमें हमारे बन चुके हैं। अभी मैंने जल्दी खरीदा था, ठीक है, जब प्राइस डंप हुआ था तब मैंने और एक्स्ट्रा खरीद लिया था। उसके बाद मैं देखिए आप बेबी डोज को भी मैंने संभाल करके रखा हुआ है, ठीक। और उसके बाद से आप आ जाते हैं इसमें तो हीडियस भी हमने जो है लगभग 11-12 डॉलर का खरीदा था, इस समय 60 डॉलर हो गया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा और मौका मिला तो मैंने जो है सिबा को भी खरीद लिया। अच्छा, सिबा में एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसकी पंपिंग हो सकता हो फिर से हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा सिबा को होल्ड अभी और किए रहना, अभी सेल मत करना, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल सेल तो भूल जाया करो, आप लोग सेल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब आप लोगों के मन का, आप लोगों के टारगेट का मिल जाए प्रॉफिट, तब आप लोग इसको सेल किया करो। करोड़पति बनने निकले हो, 1000 रुपया लेकर के चले जाओ, 100 रुपया लेकर के चले जाओ, ये तो कोई बुद्धिमानी है नहीं, ठीक। इससे अच्छा भाई इंतजार ही कर लेते हैं। तो ये था लवली इनू के ऊपर कुछ जानकारी, बाकी आप लोग टेलीग्राम पर एक्टिव रहते ही हो इनके, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप लोगों को बात करने की हमें तो ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। बाकी यहीं पे सारा अनाउंसमेंट वगैरह होता है, यहाँ पे आप इनके पिन मैसेज वगैरह को देख सकते हो, इनके 25,000 होल्डर कंप्लीट हो गए हैं, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अपना जो है एक निकाला हुआ है, यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो। बाकी और आगे चलते हैं थोड़ा सा इनके पिन मैसेज की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है, 25.61% का यहाँ पर ग्रोथ वगैरह सब दिखा रहा है। और साथ ही साथ ये जो है दोस्तों यहाँ पर आप आ जाओ ट्रस्ट वॉलेट में, तो ट्रस्ट वॉलेट में भैया इनका बैलेंस वगैरह शो होने लगा है, आप देख सकते हो यहाँ पे लवली इनू का जो है बैलेंस यहाँ शो होने लगा है, ठीक है। आप लोग भी अपने ट्रस्ट वॉलेट में देख चुके होंगे, काफ़ी 2-3 दिन हो गया इसको आए हुए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे कुछ टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है, लगभग 49 करोड़ के करीब में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाने लगी है। तो ये चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहे हैं, अब वर्क करना शुरू किया, और सच बता रहा हूँ अक्टूबर का महीना बहुत खास होने वाला है, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हो कई सारी प्लाने ये एक साथ काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से ही प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बस होल्ड करना है, आप अक्टूबर नवंबर होल्ड कर लो भाई, जब इंसान दिसंबर तक का टाइम मांगा हुआ है तो उसको कम से कम दिसंबर तक का टाइम तो दे दो, एक डॉलर नहीं तो साला एक पैसा भी चला गया तो भी आप लोगों का लाइफ सुधर जाएगा। जिनके पास अरबों टोकन है, करोड़ों टोकन है, उनकी तो बात ही मत पूछो, वो तो मतलब जो प्री सेल वाले बंदे होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी जानकारी आप लोगों की लवली इनू के ऊपर, और लास्ट में भी मैं यही कहूँगा कि होल्ड इज गोल्ड होता है हमेशा, जब तक आप होल्ड नहीं करोगे आप कभी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। लवली इनू ही नहीं, किसी भी कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप होल्ड करना नहीं सीखोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो, और कभी भी अपने आप को अमीर नहीं बना सकते हो। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जानकारी, कुछ जानकारी जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को लवली इनू पर देना चाहता था। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को नए नए टोकन के बारे में रोज़ जानकारी देता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।